module 185 in the chapter optimization the today's topic is the factor demand of a firm in the short run and the long run and when we see this is the comparison of the firm's factor demand for the two time periods means for the short run period a firm has not control over that factor demand but in the long run it has the ability to adjust so this adjustment word is very much पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फर्म जिसमें हमने पहले भी बात की थी कि एक फर्म को ओवर द टाइम वेरियस प्राइसिस का सामना करना पड़ता है बिकॉज़ फैक्टर डिमेंड जो है वो इनपुट की प्राइस और आउटपुट की प्राइस पर डिपेंड कर रही है एंड इफ वई स्पोज कि मार्केट में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल थे उनकी प्राइस में चेंज आई है और वो चेंज पॉजिटिव है इन देंस कि इन्फ्लेशन है तो इनक्रीज़ ऑफ प्राइस के रिस्पोंड में एक फर्म जो को एडजस्टमेंट करना पड़ेगी अब क्या तो पॉसिबल है कि फर्म जितना इनपुट पहले परचेज़ करती है उसी इनपुट को परचेज़ करती जाए तो उसको इंक्रीज कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा और उस इंक्रीज कॉस्ट के जवाब में क्या वो फर्म उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो मार्केट में जो प्राइस है उसको अफेक्ट कर सके मीन वो चेंज कर सके तो कम्पटिटिव फ़र्म्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है तो अब यहाँ पे एक फर्म को जो कम्पटिटिव मार्केट में हो एडजस्टमेंट करनी होती है और वो एडजस्टमेंट में वो डेफिनेटली इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इनपुट प्राइस में अपना आउटपुट को रिड्यूस करेगी और उस आउटपुट के लिए वो फैक्टर की डिमांड को चेंज करेगी तो वो वाला फैक्टर जो अब उसको पहले से कॉस्टली मिल रहा है उसकी वो अमाउंट को कम परचेज़ करेगी लेकिन अब ये जो एडजस्टमेंट के प्रोसेस हैं वो ओवर द टाइम डिफरेंट हो सकते हैं मीन किसी एक के लिए कम किसी एक प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा और इन सेंस लॉन्ग रन में उसका डिमांड कर्व डिफरेंट होगा अब हम इसमें देखते हैं कि एक फर्म अपने इसी फैक्टर को क्योंकि वो मुख्तु टाइम पीरियड में जो शॉर्ट रन में यूज़ कर रही है इन द लॉन्ग रन में जब वो मर्जिंग में आती है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है एंड नाउ व्हेन वो एक्सप्लेन कि एक फैक्टर का जो डिमैंड कव है हम उसका फंक्शन देखते हैं कि अगर उसका फैक्टर डिमैंड फॉर कमोडिटी एक्स आई के लिए फैक्टर वो ले रही है तो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द इनपुट इन द मार्केट इट्स ओन प्राइस एंड द प्राइस ऑफ द अदर इनपुट मार्केट और प्राइस ऑफ द आउटपुट को देखते हुए यहाँ पर जो हम अदर आउटपुट है अगर हम अज्यूम कर लें कि वो फिक्सड है और सपोज हम उसको फैक्टर टू की बजाय हम कहते हैं दैट इज़ द फैक्टर एन मीन दैट इज़ दैट फैक्टर दैट कैन बी एनी फैक्टर मीन वन टू थ्री हमने उनको फिक्स दिया और अब हम ये देखना चाहते हैं कि वट विल बी द दफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट फैक्टर वन ऑन इट्स ओन डिमैंड तो हम कैसे चेक करेंगे कि वी विल टेक द डेरिवेटिव इन द फैक्टर डिमेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइज

ऑफपेक्ट ऑफ मेन द अदर इनपुट जिसको अगर हम कहें या इसी इनपुट को हम कहें तो हम कहेंगे कि वट विल बी द अफेक्ट ऑफ चेंज इन द अदर इनपुट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस सिंगल इनपुट मेन इनपुट वन की प्राइस के चेंज होने से जो अदर इनपुट की क्वांटिटी की डिमांड पे फर्क पड़ा उसकी क्वान्टिटी के चेंज होने से इस फैक्टर वन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है तो मीन दिस शोज़ द क्रॉस इलास्टिसिटी अब अगर हम इसी इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो फैक्टर डिमेंड है उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं अब उस दो कंपोनेंट में से जो एक कंपोनेंट है वो ओन प्राइस इलास्टिसिटी को शो करता है और जो दूसरा कंपोनेंट है राइट right साइड वाला वो क्रॉस इलास्टिसिटी को शो करता है एंड एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट दिस क्रॉस इलास्टिसिटी इज़ मोस्टली अस्पेक्ट ऑफ द शोज़ द साइन ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप तो अब अगर क्रॉस इलास्टिसिटी में फ़र्दर हम एक्सप्लेन करें तो वो दो इनपुट्स जिनमें अगर तो सब्सिट्यूशन हो रही है तो देयर विल बी क्रॉस इलास्टिसिटी तो हमें इस फैक्टर में कोई ना कोई उसका पैरामीटर और वैल्यू मिलेगी एंड इफ़ देर इज़ दैट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें हम कहें कि कहीं पे भी सब्सिटीट्यूशन नहीं है तो ये वाला कंपोनेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा और टोटल फैक्टर डिमांड विल डिपेंड अपॉन इट्स ओन प्राइस फैक्टर बट नाउ दिस फंक्शन इट विल टेल अस द टू कंपोनेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वई विल ना डिवाइज दैट हाउ द फैक्टर डिमैंड फॉर द शॉर्ट रन विल अफेक्ट द फैक्टर डिमेंड ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन नाउ एक्सटेंडिंग आवर दिस इक्वेसन वई कैन सी दैट प्रिवियसली वी हैव सीन दैट इफ वई मेनटेन फॉर वन इनपुट और द टू और लाइक वाइज तो ये एक हमारे सामने आइडेंटिटी आती है जिसमें चेंज इन दैट इनपुट डिमेंड और यहाँ हम इसको स्टेरिक से लगा रहे हैं मीन ये वो अमाउंट ऑफ इनपुट है दैट इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ द आउटपुट एंड दिस चेंज इन दिस इनपुट डिमेंड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर फैक्टर इट विल डिपेंड अपॉन नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे सामने क्रॉस इफेक्ट्स को शो कर रहा है मेन इसके प्रीवियसली अगर हम करें तो इट कैन एक्सप्लेन लाइक दिस दैट द चेंज इन एक्स आई इट विल बी डिपेंड अपॉन चेंज इन डब्ल्यू आई एंड इट वॉज इक्वल टू लाइक चेंज इन एक्स एन डिवाइड बाई इक्वल टू चेंज इन डब्ल्यू एन थ्रू द वर्किंग ऑफ द टेलर सीरीज एंड द क्रॉस मल्टीपल में हम देखें तो हम उसको इस इक्वेशन में लेके आते हैं और अब अगर इसी जगह से हम देखते हुए तो जो हमने प्रीवियस इक्वेशन एक्सप्लेन की थी हम उसमें दिस चेंज इन एक्स आई विद रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ द अदर इनपुट मीन दैट इज़ अवेलेबल हेयर अगर हम उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करें और उसको सब्सिट्यूट कर दें उसकी वैल्यू को तो दिस इक्वेशन इट बिकम्स लाइक दिस जिसमें अब हम देखें तो दिस चेंज इन एक्स आई विद रेफरेंस टू डब्ल्यू आई मीन दिस एंड नाउ दिस एक्स आई जिसको हमने शॉर्ट रन में कहा कि दिस इज़ द चेंज इन द क्वान्टिटी डिमेंडेड ऑफ एनी इनपुट विद रिस्पॉन्स टू इट्स ओन प्राइस मीन इट वॉज इक्वल टू द ओन प्राइस इलास्टिसिटी एंड दिस इज दैट फैक्टर जिसमें हमने कहा कि ये जो शॉर्ट रन का रिस्पॉन्स विद द अदर इनपुट को हमने और उसकी अब वैल्यू को हमने इसके साथ सब्जीच्यूट किया तो इट कम्स लाइक दिस तो दिस एक्सप्रेशन जो है ये हमारे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शंस को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जो सेकेंड टर्म है मीन दिस राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जो है ये हमारी नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि ये क्रॉस इलास्टिसिटी को शो करती है और इसी को अगर हम देखें तो नाउ द चेंज इन एक्साइज टैरिक बाय द चेंज इन डब्ल्यू आई इट मस्ट बी आइदर लेस देन और इट इज़ इक्वल टू दिस शॉर्ट टर्म प्राइस रेंज तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर तो कहीं पे भी प्राइसेस का मेन जो क्रॉस इलास्टिसिटी का अफेक्ट जो है वो लार्जर होगा तो जो एक्स एन है उसकी स्लोप कम होगी मेन उसके मुकाबले में ये जो चेंज इन एक्स एन वेरिएबल या अदर इनपुट है वो कम आ रही होगी और अगर एक्स एन के मुकाबले और उसकी प्राइसेस का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा होगा तो और उसकी स्लोप ज़्यादा हो रही होगी तो हम देखेंगे कि जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के फैक्टर डिमेंड हैं उनका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो दिस एक्सप्लेन्स द क्रॉस इलास्टिसिटी एंड ओन प्राइस इलास्टिसिटी के ऑस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये देख सकते हैं कि वट विल बी दफ़ेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी इनपुट ऑन द डिमेंड ऑफ दैट फैक्टर एंड थ्रू दैट चेंज इन द फैक्टर What will be the total change in the output either in the short run and what effect will be in the long run?